Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue Node.js series and in today's tutorial we will learn how to install Node.js. Uh, in this slide I have given three links. Number one link is to install Node.js on Windows 8 and above. Second link we will use if we have Windows 7 or below version. So for that we can use this link and third link we will use to install Visual Studio Code. सो बेसिकली वी नीड टू सेटअप दो सेटअप लगेंगे हमें एक तो नोड जेएस का सेटअप लगेगा और दूसरा होगा विजुअल स्टूडियो कोड का तो हम देखेंगे अभी ब्राउजर में जाके इसको कैसे यूज करते हैं सो फर्स्ट लिंक विल टेक यू टू दिस साइट अब इस साइट पे ये जो सेटअप है ये सेटअप आप यूज कर सकते हैं एलटीएस और लॉन्ग टर्म सपोर्ट सेटअप बोलते हैं हम इसको जिन लोगों के पास विंडोज 8 एंड अब है वो लोग इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सेटअप आप डाउनलोड कर कर लो और उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है अगर सपोज आपके पास विंडोज सेवन है देन आई हैव गिवन सेकेंड लिंक ये सब लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ तो आपको ये लिंक यूज करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया उन्होंने कैसे करना है सिंपली आपको यहाँ पे ये यह जो लिंक है ना इसको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा आपके यहाँ उसको आपको रन करके इंस्टॉल कर देना है मैंने ऑलरेडी किया है तो आप ये स्टेप फॉलो करो इसमें लिखा है कैसे करना है उसको इंस्टॉल तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है इसमें कुछ अलग नहीं है बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना इसको और पाँच मिनट में आपका हो जाएगा इंस्टॉल सो तो ये एक सेटअप लगेगा आपको दैट इज़ वॉट नोट जेस उसको आपको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल होने के बाद यू नीड सम एडिटर सो वी आर गोइंग टू यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड तो यहाँ पे उसका सेटअप है विंडोज सेवन एट और अबाव जितने भी जो वर्जन है उसके लिए चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपको देखना है कि आपकी सिस्टम कौन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम 64 फोर बीट होगी तो ये वाला सेटअप लोगे आप 32 टू बीट होगी तो ये वाला सेटअप आप यूज करोगे ओके सो so, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा एक बार आपने नोट जैसा इंस्टॉल कर लिया तो वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है हम कैसे चेक करेंगे दैट आई विल शो आपको जाना है सिंपली आपके स्टार्ट में और सी क्लिक करना है तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि नोड आपका जो वर्जन है वो आया है नहीं आया है सो नोड माइनस वी ओके सो यहाँ पे दिख रहा है देखो दिस इज वर्जन थर्टीन पॉइंट फोर्टीन पॉइंट जीरो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है ये आप चेक कर सकते हैं नोड आपको टाइप करना है एंड माइनस वी ओके वर्जन वी सो इससे आपको पता चलता है कि आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर पे प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं नोट जैस ओके, सो दिस वन थिंग यू विल डू एंड देन यू विल गो फॉर एडिटर सो आपने अगर कोड को इंस्टॉल कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड तो वो आप चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है सो धिस एडिटर विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू ये एडिटर ओपन हो गया है प्रॉपरली विजुअल स्टूडियो कोड अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे इसको यूज़ करना है कैसे कोड लिखना है कैसे फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे वो सब हम कवर करेंगे इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टूटोरियल नेक्स्ट टूटोरियल में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे हम राइट करेंगे कोड और कैसे उसको रन करेंगे थैंक यू वेरी मच